हम असम की घटनाओं पर, भारतीय जनता पार्टी असम की घटनाओं पर अत्यधिक चिंतित है। और दो दिन पहले किसी व्यक्ति के हत्या करने के पश्चात ये जो दंगा पूरी तरह से असम में फैल रहा है और विशेष करके कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिला में जिस प्रकार का नरसंहार हो रहा है, ये सामान्य नरसंहार नहीं है। ये नरसंहार पूरी तरह से सांप्रदायिक है। द भारतीय जनता पार्टी इज डीपली कंसर्न्ड एट द सिचुएशन प्रीवेलिंग इन असम। द वायलेंस विच वॉज ट्रिगर्ड आफ्टर अ किलिंग ऑफ अ बोडोमेट हैज फाइनली टर्न आउट इन टू अ मेजर आर्सन, लूट एंड किलिंग्स, एंड इट्स एन फुल फ्लेज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। फौज बुला ली गई है, रेल यातायात भंग हो गया है, और ना ही सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यकों के घर के घर को जलाए गए हैं, बोडो के भी और कई हिंदुओं के भी घर जलाए गए हैं। जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो सरकारी सूत्र के आंकड़े हैं, वो इस समय लगभग 1,70,000 लोगों के विस्थापन की सूचना है। लेकिन जो हमारी टीम गई है, जो पत्रकार और अन्य कार्यकर्ता बता रहे हैं, ये संख्या लगभग 5,00,000 लोगों तक पहुंच रही है। द गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली रिपोर्टेड दैट इट्स अराउंड 1,70,000 पीपल हु हैव बीन डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर हाउसेस, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, देयर होम। बट द इंफॉर्मेशन विच वी हैव फ्रॉम आवर ओन सोर्सेस, पॉलिटिकल वर्कर्स एंड द टीम ऑफ द भारतीय जनता पार्टी विजिटिंग असम, दे से दैट दिस नंबर्स मे बी क्रॉसिंग मोर देन 5,00,000। 32 लोगों की जान गई है, बहुतों के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें से 5 लोग की जान पुलिस की गोली से हुई है। एंड द होल सिचुएशन देयर इज क्वाइट अलार्मिंग। इनफैक्ट The concern is that the government seems to have completely failed on this front. It's a complete collapse of this government in Assam. Aur sirf ek hi sampradaya ko madad nahi chahiye. It is all the Bodos, the Hindus, the Muslims, all need help at this point of time. There are camps which have Muslims, there are camps which have Bodos, and all are under threat. Some say that there are 100 villages which have been affected. The other figures goes up to around 500, maybe more or less. Houses are being burnt. Granaries are being razed. And the most shocking thing is, all while this was happening, the local police and the police stations had shut off. जहां तक सूचना है, कुछ 100 गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की सूचना है, उसमें 400 गांवों में ये दंगा फैल चुका है। और सबसे चिंता की बात है, जो प्राथमिक सुरक्षा जहां से मिलनी चाहिए थी, जो थाने, जो असम पुलिस के थाने थे, वो पहले दिन से ही बंद हो गए। वहां के अधिकारियों ने छुट्टी ले ली, वहां से निकल गए, वो खुद भाग चले। और जो असम की सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, एडिशनल फोर्सेस भेजने चाहिए थे, अपने अफसरों को भेजने चाहिए थे, पूरी जानकारी होने के बाद भी कई घंटों तक
सरकार अनजान बनी रही और अभी भी जो स्थिति है वहां के स्थानीय थाने जो पूरी स्थिति की जानकारी रखते हैं उनसे अभी तक पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ दिस टाइप देयर आर चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट एंड आई वुड नॉट लाइक टू कोट इट फर्दर बिकॉज द भारतीय जनता पार्टी डज नॉट बिलीव इन फ्लेयरिंग थिंग्स वी वॉन्ट अ सॉल्यूशन द फैक्ट रिमेन्स द कंट्री नोज and it has been concern being raised by the Bharatiya Janata Party again and again and we have been talking about it passionately that the changing demographic profile of these states of these districts have become alarming it's not only in particular in these areas but across all the borders states and all the border districts whether of Uttar Pradesh whether of Bihar whether of Assam this problem is not isolated state problem this problem cannot be dealt in isolation the onus of this flaw is the policy statement of the union government ये समस्या जो अभी इतने ज्वलंत रूप से बोडोलैंड के क्षेत्र में दिख रही है इसका आधार पुराना है और जिस तरह से इन क्षेत्रों का डेमोग्राफिक प्रोफाइल जिस प्रकार से यहां के सामाजिक संख्या धर्म और जीवनी का परिवर्तन हो रहा है उसके कारण ये संख्या ना ही सिर्फ असम में उत्तर प्रदेश के सीमाओं पर और बिहार की सीमाओं पर सीमा पर पूरी तरह से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ में लगातार केंद्र सरकार को आगाह किया है और हम बार बार इस विषय को उठाते रह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश के लिए एक बड़ा समस्या बनने वाला है लेकिन अभी हम इस विषय को क्योंकि वहां की स्थिति बहुत ही विस्फोटक है हम इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी फिलहाल नहीं करना चाहेंगे विल नॉट लाइक टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑन द फेल्ड पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज फार एज द चेंजिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स आर कंसर्न्ड वी हैव बीन रेजिंग दिस इश्यू वी हैव फ्लैग्ड दिस इश्यू And we have also forewarned the union government of the consequences of this issue, this infiltration and the changing or changes of demographic profile. लेकिन इस पूरे परिस्थिति में हम एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे और विशेष करके we'll have a question from the Congress friends, the so-called the secular Congress government. Which keeps on raising issues of communal issues in other states. Do they have an answer to this communal violence which is taking in their regime under their very nose in the state of Assam? हम कांग्रेस जो अपने आप को गैर सांप्रदायिक कहती है और दूसरे राज्यों पर दूसरे लोगों पर उंगली उठाती है असम के इस सांप्रदायिक हंगामे में और इस असम के इस सांप्रदायिक दंगों के बारे में क्या देश के प्रधानमंत्री बताएंगे जो स्वयं उस असम राज्य से प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आज इस देश के प्रधानमंत्री से असम के इस सांप्रदायिक दंगे पर सीधा सवाल करना चाहेगी कि क्या उस स्थिति से उबरने के लिए क्या इस सांप्रदायिक दंगे से जिसमें असम की सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है हम देश के प्रधानमंत्री से इस सवाल का सीधा उत्तर चाहेंगे मित्रों क्योंकि कल से इस विषय पर कई इसका इतिहास भी है
और यह समस्या ऐसा नहीं है कि कल ही प्रारंभ हुआ और आज उसकी चर्चा हो रही है, और यह समस्या भूमि से जुड़ी हुई है। जब कोकराझार और उसके इलाके में धुबरी और सरहद के पार से लोग आकर बसने लगे और जमीन अधिग्रहण करने लगे, कब्जा करने लगे, यह समस्या तब की है। और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने इस विषय को 1987 में उठाया था। 1993 में पहली घटनाएं हुई जिसमें लगभग 50 अल्पसंख्यक लोग मारे गए, वो मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे। 94 में ये 100 लोग की हत्या हुई यहां, और इसी प्रकार की घटना में 1996 में लगभग 2.25 लाख लोग विस्थापित हुए थे। 2008 में भी लगभग 100 लोगों की हत्या हुई थी। जब असम की सरकार, केंद्र की सरकार इस पूरी समस्या से अवगत है, तो आखिर ये सरकार ये सांप्रदायिक दंगा की परिस्थितियों को जान करके भी ये सांप्रदायिक दंगा को क्यों भड़कने दे रही है? भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का सीधा उत्तर उनसे जानना चाहेगी। मित्रों, यह भी पता चला है कि फिर से सरकार प्रणब जी के आने पर पहला तोहफा इस देश को पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे बढ़ा करके दे, 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। देश का पहला तोहफा था देश के नए राष्ट्रपति का, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार का ये लोगों को ये पहला तोहफा था। और उनके कार्यभार संभालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के बाद लंबित है। वी आर कंसर्न दैट एंड वी अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट गिफ्ट टू द नेशन आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ द आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी हैज बीन द कांग्रेस एंड द यूपीएस गिफ्ट टू द कंट्री इज a 70 paise rise in prices of petrol, and when he has taken charge, which the Bharatiya Janata Party would certainly welcome now there is a proposal to enhance and hike the rates of LPG and diesel. The Bharatiya Janata Party would like to know that this is the second gift to the nation immediately after the president has been sworn in. We'd certainly like to know about it. अगर आपके और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस विश्वास के साथ कि बहुत कठिन सवाल नहीं होंगे। अगर हमें पता चला है कि बाबा अन्ना हजारे के अनशन के स्थल पर कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने, कुछ NSUI के सदस्यों ने हंगामा करने का प्रयास किया है, यह अशोभनीय है, अस्वीकार्य है। और इस देश में किसी भी व्यक्ति को, समूह को लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखने का, धरना प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार है। कांग्रेस की इस बेचैनी को हम जानते हैं, हम समझ सकते हैं कि आज भ्रष्टाचार के मामले में उनमें एक प्रकार की घबराहट है, लेकिन इस प्रकार की घटना, जिस प्रकार से लोग और उनके कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनकी टीम को के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, आतंक बनाना मचाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तौर से भर्त्सना करती है। वी कंडेम द एक्ट ऑफ सर्टेन कांग्रेस एक्टिविस्ट हु वांटेड टू डिसरप्ट द धरना ऑफ श्री अन्ना हजारे एंड हिज टीम। इट्स अनएक्सेप्टेबल, इट्स अनडेमोक्रेटिक, एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू पुट फॉरवर्ड हिज पॉइंट। Well, we understand, the Bharatiya Janata Party does understand that there is a enormous restlessness in the Congress circle about the charges of corruption. We do understand that. But we like to tell the people and even the team Anna Hazare that it is not very unusual. They did it for Ramdev in Ramlila grounds. They have made certain, it has happened with their activists in the court premises. Though we have all the sympathies with them, but they have to be aware that this is a part of their culture when they fail to
to meet the standards of protest. So it's not very unusual, but we stand by the team Anna as far as any disruption or any disturbance which is being caused to them personally. And I'm sure all people and all the political parties in this country would agree that every individual has a right to protest and make their points. We are concerned deeply about it. ये कांग्रेस का प्रेस ब्रीफिंग 4 बजे होता है, आप उनसे पूछ ले। आई एम नॉट अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन माई फ्रेंड। विपक्ष तो आप लिखे, मतलब मैं हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। I think these questions be best posed to the spokesperson of the Congress party. देखिए अमरनाथ के सवाल पर कल प्रतिपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, श्री अनंत कुमार, श्री शहनवाज हुसैन, श्री तरुण विजय, श्रीमती विमला कश्यप और मैं स्वयं इस गृह मंत्री से इस प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था और हमने मूलतः 2 विषय रखा। वी मेट द होम मिनिस्टर ऑन द इश्यू ऑफ अमरनाथ वेयर मोर देन 100 पीपल हैव डाइड एंड द इश्यू वॉज रिलेटेड टू 2 core issues। नंबर 1 द ड्यूरेशन ऑफ द यात्रा एंड नंबर 2 एडिक्वेसी ऑफ फैसिलिटीज। The squeezing of the duration of yatra has forced the number of people visiting every day, enhancement of the individual numbers going up, and of course the in absence of land to the shrine board and absence of the shrine board to construct facilities and the failure of the state government to provide land to the Amarnath shrine board has resulted in a situation where not even bare minimum medical facilities are available. And in combination, these 2 situations have created a situation where the pilgrims are crossing more than 7 lakhs this year. The toll and the death is going up. It's very unfortunate. The Bharatiya Janata Party has raised this issue. We will raise this issue in Parliament. We'll carry forward and press the government of Jammu Kashmir, ask the Union Home Minister through the Governor in Jammu Kashmir, and we take pride to state that almost a similar situation prevailed for the visitors to the holy shrine of Vaishno Devi. It was only in the course of UPA government and the presence of Mr. Jagmohan there that the Vaishno Devi Trust was reorganized and is one of those few places and shrines where almost enormous facilities have been provided to the pilgrims. If it can be done in the state, within the state of Jammu and Kashmir, for the Mata Vaishno Devi Shrine, we have no reasons to believe why the same facilities cannot be provided for the Amarnath Yatris. And the Bharatiya Janata Party emphasized this, and I am sure the Home Minister has taken cognizance of this and would act upon it soon. देखिए प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने हैं, हमने उनका स्वागत किया है और वो इस देश के 13वें राष्ट्रपति हैं जिनका आज शपथ समारोह सेंट्रल हॉल में संपन्न हुआ। हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ देश के राष्ट्रपति के रूप में मानते हैं और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि यदि संगमा साहब यदि इस प्रकार का कोई कदम उठाना चाहे तो ये पूरी तरह से उनका निजी पहल होगा। बट वेयर एज द बीजेपी एंड
the NDA is concerned. We have welcomed post elections, we have welcomed the election of the President of India, and we would not like to link this to the party or to the NDA. It would solely be his own propriety as a candidate or an individual, and we have not discussed about it at all. What is this bird, sir? Let us see whether. Are you asking Satpal Jain to dissociate from? No, we cannot ask anyone. I have, Mr. Farzan, I have stated the party position. Rest is your speculation. That you will not decide, na? You can. What I have said is this is. I have stated the party position. If you're not happy with that, then I can't help it, my friend. Today, what I have spoken, I'm not talking retrospect. Prospectively, this means prospectively, na? So it stands here. He is a legal man. So, as an individual capacity, we have stated the position of the party, and that should be treated as a position of the party. These are your queries, which can be independently answered by Mr. Jain. I think our team has gone there. They are all there. Mr. Vijay Goyal is there. And with him, Kiran Maheshwari and other members. रमन डेका और स्थानीय सांसद हैं. जैसे ही वो लगातार हमारे संपर्क में हैं, कोई भी अगर ऐसी विशेष सूचना मिलती है तो हम आपको जानकारी देंगे. इसके अतिरिक्त वो समिति लौटने के बाद निश्चित रूप से आपको बताएंगी कि उनका क्या अध्ययन हुआ. अखिलेश, देखिए, संयोग ऐसा है कि मैं प्रवक्ता की हैसियत से आपके बीच में हूं, लेकिन मैं जसवंत सिंह साहब का इलेक्शन एजेंट भी हूं, और इस पूरे समन्वय का कार्य दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हमारे मित्र शहनवाज हुसैन को भी दिया गया है. हम आपको कोई रणनीति यहां से नहीं बता सकते. This statement is amazing because it's a bizarre statement. It's a mock of a individual. और सलमान खुर्शीद से ऐसे बयान उम्मीद नहीं किए जा सकते. और ये कहना कि अन्ना हजारे देश के भीतर उनकी सुनवाई नहीं होगी, और यदि उनको कोई आरोप है तो संयुक्त राष्ट्र में जाके आह्वान करें और संयुक्त राष्ट्र से अपील करें. इस देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज सुन रही है, और यह हास्यास्पद बयान उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा.